हेलो, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू माई न्यू ब्लॉग। सो कैसे हैं आप सब? सो मेरी बैकग्राउंड से आपको पता लग ही रहा होगा मैं पता है कहाँ हूँ। तो मैं हूँ इस वक्त चंडीगढ़ में, तो मैं है चंडीगढ़। तो मैंने सोचा घर से क्या ब्लॉग शूट करना, तो यहीं से ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है। तो पहले हम अभी होटल देखते हैं अपने लिए रूम, उसके बाद मैं बताती हूँ हम क्यों आए हैं चंडीगढ़, बाकी चीज़ें उसके बाद बताती हूँ। तो मैंने सोचा साथ में ब्लॉग स्टार्ट कर देती हूँ और आप लोगों को भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन देती रहती हूँ। तो चलिए, सो यहाँ हमने रूम देखा और अभी चलो 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 चलेगा देखते हैं। तो हम अभी रूम अपने लिए सर्च कर रहे हैं और हमें चाहिए था बालकनी वाला रूम। ये लगी है हमारी कार। सो मैंने सोचा आपको साथ साथ में बताती चलती हूँ। तो हम इसीलिए चंडीगढ़ आए हैं, एक्चुअली जी का थोड़ा टेस्ट वगैरह करवाने थे तो हम तब करके PGI आए हैं। तो आपको पता ही है PGI तो उधर रहता है और रह गया। तो मैं जिससे नहीं पता, वैसे तो मैक्सिमम लोगों को पता होता है चंडीगढ़ में कहाँ रुकना है कहाँ नहीं स्टे करना है, तो मैंने सोचा मैं भी इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ। तो चंडीगढ़ में 2 किलोमीटर साथ में ही नया गाँव आता है, वहाँ पर जाके नया ग्राम बोलते हैं फिर, तो यहाँ पर रुक सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारे होटल्स हैं और मतलब बहुत सही है और रीज़नेबल भी है, ऐसा भी नहीं कि बहुत ज़्यादा कॉस्टली है। तो यहाँ पर आप लोग स्टे कर सकते हो। तो अभी हम लोग होटल देख रहे हैं। हम लोग एक्चुअली यहाँ एक होटल हिमाचल है यहाँ रुकते थे। यहाँ पे बहुत अच्छे रूम्स है और सफाई हर चीज़ ओके, बट यहाँ फुल थे तो इसलिए हमें आपके यहाँ सर्च करना पड़ेगा। तो मैंने सोचा आप लोगों को भी बता देती हूँ। तो यहाँ अगर PGI में आते हैं बहुत सारे लोगों को दिक्कतें हो जाती है, तो यहाँ पर आके स्टे कर सकते हैं नया गाँव। यहाँ पर होटल्स ही होटल्स मिलेंगे आपको, बाकी देखते हैं कहाँ हमें रूम मिलता है फिर आपको बताते हैं। गुरु ग्रंथ की शरारत स्टार्ट है और हम अगेन फिर से जा रहे हैं रूम लेने। जब मिल जाएगा तभी आपको बताएंगे। सो फाइनली हमारा रूम हो गया है डिसाइड, तो मैं आपको दिखाती हूँ रूम। एक्चुअली हमें विंडो साइड रूम चाहिए थे ना, तो तब करके हम थोड़ा सा बहुत सारी जगह सर्च मारा है हमने, तो ना हमें अच्छे रूम मिल गए हैं। मैं दिखाती हूँ आपको रूम, हेलो ओके देखिए रूम। तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगी क्योंकि सो गुड के आई हूँ। देखिए विंडो साइड, वाओ बालकनी, ये है बैक साइड का व्यू। तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कैसा लगा आप लोगों को हमारा रूम। हम बहुत थक गए और हम सो रहे हैं क्योंकि इसको हमें जल्दी जाना है 6 बजे। तो मिलते हैं आपसे कल, तब दिखाते हैं आपको नेक्स्ट PGI का। हेलो, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक। तो अब हम जा रहे हैं PGI। तो मैं आपको बताती हूँ नया गाँव से हम बिल्कुल मेन में जा रहे हैं, थोड़ा ही पीछे था हमारा रूम। तो अब मेन से हम लेंगे ऑटो और जाएंगे PGI। तो आपको दिखाती हूँ लोकेशन। तो चलिए फिर, हमें ऑटो मिल चुका है। गाइस पहुंच गए हम न्यू OPD और अभी देखने अंदर कितना क्राउड होगा। मास्क वगैरह ही है,
और लाइनें लग चुकी है और बहुत ही गंदी लाइनें लग चुकी है, इसलिए हम लोग बहुत लेट हो चुके हैं। भाई साहब क्या लाइनें लगी है गाइस, देख सकते हो लाइंस क्या लाइनें लगी हुई है। और अब यहाँ पे तो काउंटर खुले गए, लाइनें भी लग गई है। ये PGI। तो गाइस हम लोग लाइन में खड़े हैं, यहाँ देख सकते हो रश कितना ज़्यादा क्राउड है हर एक। फाइनली मैं भी काफ़ी मंजिल के नज़दीक पहुँच ही गई हूँ और फिर बताते हैं आपको जब नंबर आ जाएगा उसके बाद कहाँ जा रहा है और बाहर का मौसम भी बताऊँगी। गाइस लाइट ही नहीं है इसलिए PGI में भी ये हाल आते हैं आज, क्योंकि मौसम का जो हाल है ना देख सकते हो, लोग तो बहुत है बट काला ही काला दिख रहा है। मैंने सोचा आपको भी दिखाती हूँ, ऐसे हाल हो रहा है, ज़्यादा लाइट नहीं जा रही है और बिल्कुल कहानी ख़त्म। कुछ इस तरह का है बाहर का मौसम और बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, बहुत ज़्यादा बारिश देख सकते हो। थोड़ी देर पहले तो इवन तूफान आ रहा था, अब बारिश हो रही है, ठंड भी बहुत ज़्यादा है यहाँ पर देख सकते हो। गाइस ये पास थर्ड फ्लोर में, और थर्ड फ्लोर में हम जाएंगे यहाँ से आगे को और यहाँ आती है मेडिसिन की OPD। तो यहाँ से जाएंगे हम आगे, किसी को मेडिसिन में दिखाना है तो यहाँ आए रास्ता। ये देख सकते हो आप मेडिसिन में कितनी ज़्यादा लाइन लगी हुई है, बहुत ज़्यादा क्राउड है। PGI आओ चाहे शिमला जाओ, एजेंसी कहीं भी जाओ, कोई से भी कोई मिलेगा आपको हर जगह। देखते हैं हमारा नंबर कब तक आता है। सब बहुत ज़्यादा लेट, दीदी का नंबर आ गया था, आप क्राउड तो देख ही रहे हो। मैं PGI का मौसम देख सकते हो चंडीगढ़ का, अभी देखो कैसी धूप लगी है, सुबह कितना काला हो गया था मौसम। सब जा रहे हैं हम टेस्ट लेने। ये कितनी प्यारी है और इतनी सारी है ना यहाँ पर पार्क में, बहुत सारी है। और मैं रुद्रांशी और मम्मा बैठे हैं पार्क में क्योंकि दीदी वगैरह गए अभी टेस्ट करवाने, तो रुद्रांशी तक सोई थी, अभी गुड मॉर्निंग हो चुकी है। गुड मॉर्निंग बेटू। अब हम लोग पार्क में बैठे हैं, उन लोगों का वेट करते हैं। और ये देख सकते मुझे मच्छर न खाया चंडीगढ़ के मच्छर। सो इसमें यहाँ से बाहर जा रही हूँ OPD से, कुछ खाने को लेके आती है रुद्रांशी को भी, खुद को भी कुछ नहीं खाया सुबह से। और ये देखो OPD, यहाँ से हम बाहर जाएंगे क्योंकि अंदर तो यहाँ कुछ खास नहीं मिलता है कुछ खाने को, वैसे बाहर जाके वहीं साथ में मार्केट आती है तो वहाँ से लेके आते हैं कुछ खाने को। गाइस ये अपोजिट साइड में PGI है और इधर साइड पर सारी मेडिसिन की शॉप है। और ये लेके आई हूँ मैं थोड़ा बहुत सामान खाने का, अब लेते हैं फ्रूट्स। तो मैंने सोचा था मैं फ्रूट्स भी लूँगी पर यहाँ पे फ्रूट्स बहुत महंगे थे, इवन यहीं पे साथ में हमने कल लिए थे तो वहाँ पे हमारे को 60-70 में बनाना दे दिए थे और यहाँ पे मुझे 100 रुपये दर्जन बनाना और 120 गए संतरे, तो मैंने लिए ही नहीं वो क्योंकि उसमें भी शिमला में भी नहीं रहे थे जितने यहाँ दे रहे थे, क्योंकि बिल्कुल PGI के नियर बाय पता है इसीलिए मैं बहुत कॉस्टली रखे रहे थे, तो मैंने तब करके फ्रूट्स लिए ही नहीं। और मैं वापस जा रही हूँ, मैंने यही सामान लिया हुआ है सर, मैं वापस जा रही हूँ क्योंकि इतने ज़्यादा महंगे बच्चे मुझे समझ आता है बट यहाँ पर कुछ ज़्यादा महंगे रहते क्योंकि ये बिल्कुल PGI के अपोजिट साइड में है। बस मैं ये सामान लेके जा रही हूँ, थोड़ा बहुत खाने का ही काफ़ी है और चलते हैं वापस। तो मैं भी काफ़ी आपको एग्जैक्ट कितना ही दूर, थोड़ा सा दूर है तो सारी मेडिसिन मिलती है सारी की सारी, मैं थोड़ी महंगी देख रही क्योंकि ये बिल्कुल नियर आ जाता है सब। ये देखो बिल्कुल उधर PGI है
मतलब न्यू ओपीडी वो देखो, और ये बिल्कुल यहाँ पे साइड में जो पाथ में चल रही हूँ मैं, तो देख सकते हो कितना नियर बाय पड़ता है। और मेरे पास बैटरी भी कम बची हुई है, तो मुझे नहीं पता मैं कितना शूट कर पाऊँगी, इससे आगे शूट कर पाऊँगी कि नहीं। और जो PGI में है, न्यू ओपीडी में कुछ कुछ डिपार्टमेंट आते हैं, CEA ईयर का हो गया, ENT का, न्यूरो का हो गया, और मेडिसिन का हो गया, गायनी का हो गया, बाकी चीज़ें दूसरी इसमें आती है, तो न्यू ओपीडी में ये चीज़ें आती है। तो मैंने सोचा कि मेरे ब्लॉग से अगर किसी को हेल्प मिल जाता है तो मैं अपने से बता देती हूँ। अब चलते हैं जोशी बैठी है उधर पार्क में और मेरा वेट कर रही है, कहती मुझे भी जाना है आपके साथ, मैं इसको लेने की। और ये देख सकते हो गवर्नमेंट की वजह से कितना अच्छा है लोगों को बैठने के लिए, कितना सुंदर पार्क है, बहुत ही प्यारा ना है। ये रुद्रांशी उनको डराने ले आ रही है, बार बार पकड़ रही है। मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ, अभी तो चले गए वो, ये तो जी इतने छोटे छोटे से गड्ढे पड़े हुए ना, इसमें चूहे निकल के आते हैं यार, अभी तो निकल ही नहीं रहे चूहे। रांची ने ना स्क्वायर कुप्चर को भगा भगा के ना इतनी कर दिए, ये देखना ना उधर चूहा, देखो छोटे छोटे से माउस, इनने अपने लिए ना चारों चार स्ट्री के ना वो बना के रखे हुए, और ये मस्त यहाँ पे आते हैं खाते हैं और घुस जाते हैं। रुद्रांशी आप आए कहाँ हो पहले ये तो बता दो, क्या बोलते हैं यहाँ पे, हाँ हाँ कहाँ आए हो आप भाई, तू बताओ। हेलो गाइस, क्या क्या किया आपने यहाँ पे, शरारत बताओ क्या क्या किया। झूला झूला, हाँ झूला झूला, और स्लाइडिंग करी, स्लाइडिंग करी, और चिंके मारी, क्या करी, चिंके मारी, चिंके मारी, चिंके मारी, और क्या किया, और क्या देखा, और क्या क्या देखा, ये क्या बोलते हैं इसको, हाँ क्या बोलते हैं, स्क्वायर नहीं माथे माथे, माथे माथे क्या। तो गाइस दीदी वगैरह कब के गए हुए हैं, और 3-4 बजने को आ गए हैं, अब जो वो लोग टेस्ट करके ही नहीं आए हैं, तो यही होता है हॉस्पिटल में, तो जितना जाओ कुछ भी काम मतलब एकदम से तो कुछ भी नहीं होता है। और यहाँ पे जो टेस्ट करने हैं वो सेक्टर 11 में जाना पड़ता है, सेक्टर 11 की 12 की, तो मतलब अभी ऐसे है वो लोग गए हैं, पता नहीं कब तक आएंगे, और सोचे भूखे ही है। मैं एक बर्गर खा लिया था, बाकी दीदी वगैरह ने तो कुछ भी नहीं खाया है, क्योंकि हॉस्पिटल के काम में ही होता है, PG होते हैं। अब मैं सोच रही हूँ इस ब्लॉग को पता नहीं मैं पूरा कर पाऊँगी कि नहीं, पर चलो हम तो इधर ही बैठे हैं, यही था बस आप लोगों को थोड़ा बहुत मुझे बताना था PGI का। तो अगर मैं यहाँ से आगे कंटिन्यू ब्लॉग कर पाई तो ठीक है, नहीं कर पाई तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब मेरे चैनल को ज़रूर करें। और जो आई होप मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी हो, और मैंने जो ये ब्लॉग बनाया है आप लोगों के लिए स्पेशली आप लोगों को अच्छा लगेगा। तो मिलते हैं तब तक के लिए नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो, उसके बाद हम लोग यहीं पे रुके होटल में, तो मैंने सोचा थोड़ा सा क्लिप ये भी बना देती हूँ, क्योंकि हम यहीं पर रुक गए थे फिर, और अभी हम लोग अब सो रहे हैं क्योंकि हम थक भी गए बहुत ज़्यादा, और हमने खास डिनर भी नहीं करा, फ्रूट्स वगैरह खाए क्योंकि हमने लेट ही डिनर करा, लेट ही खाया था तो तब करके, है ना बेटी। तो हम सो रहे हैं, ठीक है बोलो, हम कहानी सुनेंगे और सो जाएंगे, हम स्टोरी सुनेंगे। गुड नाइट, बाय बाय। चलो मेरे मासी के चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना, और कमेंट भी करना बहुत सारे, और जो चैनल पर नए हैं वो भी चैनल को सब्सक्राइब करना, बाय बाय, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टाइम। ये देखो गाइस रुद्रांशी, हम ना एक्चुअली सब्जी मंडी आए हैं, और यहाँ के शोर से
शोर देखना, ये से देखो कैसी ईयर में हाथ लगा रहे हैं, बोलती बहुत शोर है, देख सकते हो यहाँ पर। ओ भाई, मैंने सोचा एक क्लिप आपके साथ शेयर करती हूँ, देखो भाई ये सब्जी मंडी नहीं है गाइस, ये तो मेला है, मेला। गाइस मैंने सोचा मैं थोड़ा सा ब्लॉग शूट कर दूँ, दीदी के भी रिपोर्ट्स वगैरह आनी थी, तब तक हमने सोचा कि हम लोग सब्जी मंडी चल जाते हैं, फ्रूट मंडी कुछ लेके आते हैं। और सब्जी मंडी वैसे 26 में है, ग्रेन मार्केट। हाँ वैसे तो सभी को पता होगा पर चलो मैं बता देती हूँ साथ में। तो मैंने जब शूट करा तो रुद्राक्षी लो यहाँ पे इतना ज़्यादा है, मतलब कान फट सकते, बेटा ये कान फट गए थे आपके, क्या हो गया था, बहुत शोर था, इतना ज़्यादा शोर था, इतना ज़्यादा शोर था। और मतलब सब्जी मंडी में ओ गॉड बहुत ज़्यादा क्राउड, इतना ज़्यादा, इतना मतलब जी जी जी। तो हम लोग कुछ भी नहीं ले पाए, रेट ऑलमोस्ट सेम ही जा रहे हैं, तो हमने बस ऐसे थोड़ा बहुत कुछ नहीं लिया, बस ये है कि किसी तरह से 4 बजे तक वेट करना था, रिपोर्टें 4 बजे तक आनी थी, तब करके हम ऐसे थोड़ा सामान ले रहे थे। तो अब जाते हैं, दर्शी ऐसे नहीं करते, बोर हो गए बिट्टू आप, बोर हो गए पक्की बात। तो बस यही था, अब हम लोग रिपोर्टें लेने जाएंगे, आए हो सब 3-4 बजने वाले हैं, तो बस यही था। और मैंने सोचा थोड़ा मंडी का हाल भी बताती हूँ।